बच्चों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका सभी का स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में वेटरनरी फार्मेकोलॉजी का चैप्टर नंबर 16 तंत्रिका तंत्र के ऊपर कार्य करने वाली औषधियाँ, यानी ड्रग्स एक्टिंग ऑन ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम, जो दिमाग और नर्वस सिस्टम अपना उस पर जो औषधियाँ काम करती है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। आज से पहले जो मेटीरियल औषधियाँ पढ़ी थी आपने, वो सब इनऑर्गेनिक थी, सब इनऑर्गेनिक औषधियाँ थी, इनऑर्गेनिक पदार्थ थे। अब हम जो स्टडी करेंगे वो ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक औषधियाँ हैं, ऑर्गेनिक। सबसे पहले आज हम देखेंगे तंत्रिका तंत्र के ऊपर कार्य करने वाली औषधियाँ, ड्रग्स एक्टिंग ऑन ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। इसमें सबसे पहले जो पढ़ेंगे अपने उड़नशील अचेतन पदार्थ, यानी वोलेटाइल जनरल एनेस्थेटिक्स, जो उड़ने वाले गैसियस फॉर्म में होते हैं, जो गैसियस फॉर्म में होते हैं, उड़नशील यानी उड़ते हैं, उड़ जाते हैं वो गर्म करने से या भाप के रूप में, वो औषधियाँ हैं जो जनरल एनेस्थेसिया के सामान्य निश्चेतन। आपने जनरल एनेस्थेसिया और लोकल एनेस्थेसिया पढ़ा था सर्जरी में, तो आज की जो अपनी औषधियाँ हैं वो वोलेटाइल जनरल एनेस्थेटिक्स है। अब उसमें सबसे पहले क्लोरोफार्म, तो क्लोरोफार्म जो है ये स्नायु तंत्र या नर्वस सिस्टम की उत्तेजना को स्टिमुलेशन यानी उत्तेजित, पशु उत्तेजित होता है उसको कम करती है, और जो ब्रेन के अंदर श्वसन केंद्र, मस्तिष्क में श्वसन केंद्र जो है, श्वसन केंद्र उस पर क्रिया करके और उसको पशु को अचेतन अवस्था में ले आती है, यानी एनेस्थेटाइज कर देती है। यह रंगीन वाष्पशील ज्वलनशील स्वाद में मीठा था, एक विशेष प्रकार की गंध वाला द्रव्य है। क्लोरोफार्म सूर्य के प्रकाश में अपघटित यानी डीकम्पोज हो जाता है, इसलिए नीले रंग की बोतल में तथा अंधेरे स्थान में क्लोरोफार्म की बोतल को अच्छी तरह बंद करके रखते हैं। अगर मान लो खुला होगा या पारदर्शी बोतल होगी तो ये सूर्य की रोशनी से डीकम्पोज हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। मुख्य रूप से इसका जो उपयोग है वो पशु के शल्य क्रिया करने से पहले उसको बेहोश करने के काम आता है। इसमें पशु को क्लोरोफार्म को सुंघाकर बेहोश किया जाता है। अगर मान लो उसको पशु को बेहोश करने से पहले पशु को बेसल एनेस्थेटिक दी गई हो, बेसल एनेस्थेटिक होती है जो एनेस्थेसिया से पहले देते हैं, बेसल एनेस्थेटिक जिससे एनेस्थेसिया जो बाद में मेन एनेस्थेसिया देते हैं तो उसकी एक्शन की विधि जो बढ़ जाती है, एक्टिविटी बढ़ जाती है उसकी, तो उसको बेसल एनेस्थेसिया बोलते हैं। अगर मान लो बेसल एनेस्थेसिया पहले दे रखा है उससे पहले, तो फिर इसकी जो क्लोरोफॉर्म की खुराक है वो आधी कर देनी चाहिए उसकी खुराक आधी। बेसल एनेस्थेटिक कौन कौन से होते हैं, एक तो आपके जो क्लोरोहाइड्राज है और मोरफिन है, ये पहले देते हैं बेसल एनेस्थेटिक के रूप में। अगर ये दिए हुए तो उसकी मात्रा जो है वो आधी कर देनी चाहिए। अब इसका उपचार के रूप में बीस के काम है, उपचार के रूप में जनरल एनेस्थेसिया के अलावा भी ये उपचार के रूप में काम आता है, जैसे मतलब रेफ्रिजरेंट यानी ठंडक पैदा करता है, एंटीसेप्टिक जीवाणु की वृद्धि को रोकता है, और पेरास्टिसाइड पेरासाइट को मारता है, रूबीफिशिएंट रक्त प्रवाह को बढ़ाता है। और अगर आपने इसको, ये तो हो गया एक्सटर्नली, अगर आप लोगे तो, और इंटरनली क्या है, इंटरनली ये स्टोमकी के भूख बढ़ाता है, कार्मिनेटिव पेट में आंत में गैसों का बाहर निकालता है और ब्रिटिश बनना कम करता है। एंथेलमेंटिक कृमिनाशक है, एंटीस्पाज्मोटिक पेट दर्द में दर्द निवारक का काम करती है, यानी स्पाज्म जो होते हैं पेट के उनको रोकता है। एंटीमेटिक है, उल्टी बंद करता है, और एनोडाइन यानी पशु को अर्ध निद्रा की अवस्था में लाता है, यानी उसके दर्द को निवारण करता है, दर्द कम करने वाले दवाई को एनोडाइन बोलते हैं।
मुख्य कार्य इसको सुंगाकर बेहोश करना है और एक दर्द रहित मौत यानी यूथनेशिया, आपने पढ़ा होगा यूथनेशिया, जब पशु को दर्द रहित मौत देते हैं, मारते हैं पशु को कई कारण से, जैसे मान लो बहुत बड़ी हड्डी का फ्रैक्चर हो गया या कोई ऐसी बीमारी हो गई जो ठीक नहीं होती है तो पशु को मारना पड़ता है, उसको यूथनेशिया बोलते हैं। अब इसकी खुराक क्या है? इसकी खुराक यह है, दर्द कम करने के लिए, अगर मान लो दर्द कम करना है पेट का या अलग एनाल्जेसिक के रूप में देते हैं, तो इसको स्पिट क्लोरोफार्म काम में लेते हैं, स्पिट क्लोरोफार्म। और उसकी खुराक ये है कि केटल में 8 से 15 ml है, घोड़े में भी है 8 से 16 ml है, और शीप गोट में 4 से 8 ml है, कुत्ते में 0.3 टू 0.6 ml है। और बेहोशी के लिए जो है एज ए क्लोरोफार्म, बेहोश करने के लिए पहले सुंघाते हैं, तो उसमें पहले तो सुंघा देते हैं उसको, केटल को जैसे 30 से 60 ml है और डॉग को 2 से 4 ml है, तो पहले उसको सुंघा देते हैं, फिर उसके बूंद बूंद उसके नाक में डालते हैं जब तक पशु पूरा बेहोश नहीं हो जाता है। वो मैंने आपको पहले बताया, अगर पूरे में बेसल एनेस्थेटिक दे रखा है क्लोरोफार्म से पहले, बेसल एनेस्थेटिक दे क्लोराइड्राज है या मोरफिन है, तो उसकी मात्रा आधी कर देनी चाहिए, दवा की मात्रा आधी कर देनी चाहिए, 30 to 60 ml है तो उसको 15 to 30 ml कर देनी चाहिए। अन्य उपयोग ये दूसरी औषधियाँ बनाने के भी काम आता है, जैसे एक होता है ABC लिनीमेंट, लिनीमेंट स्किन के ऊपर लगाने वाला जो पेंट होता है वो लिनीमेंट है, उसमें एक तो क्या है कि ABC का मतलब है एकोनाइट, बेलाडोना और क्लोरोफॉर्म, ये तीन मिलाते हैं, ए फॉर एकोनाइट, बी फॉर बेलाडोना, सी फॉर क्लोरोफॉर्म, यानी इनकी मात्रा जो एकोनाइट और बेलाडोना को 30-30 ml लेते हैं और क्लोरोफॉर्म को 30 ml लेते हैं, यानी तीनों को 30-30 ml लेते हैं और उसको मिला लेते तो वो ABC लिनीमेंट बन गया। ये लिनीमेंट जो है क्रोनिक रूमेटिज्म में या माइलेजिया होता है मसल्स का पेन, मसल्स पेन मांसपेशियों का दर्द, उसको माइलेजिया बोलते हैं, माइलेजिया और क्रोनिक रूमेटिज्म लंबे टाइम से चली हुई बाव गठिया बाव बोलते हैं जिसको, जोड़ों का दर्द, उसमें भी इसको लिनीमेंट का काम लेते हैं। एक इसका दूसरा मिक्सचर बनाते हैं ACE मिक्सचर, ACE, AC का मतलब है एब्सोल्यूट एल्कोहल, वो 1 ml लेते हैं, और सी का मतलब क्लोरोफार्म 2 ml लेते हैं, ई का मतलब इथर है, इथर 3 ml लेते हैं, यानी क्लोरोफार्म, इथर और एब्सोल्यूट एल्कोहल तीनों को लेते हैं। और इसका उपयोग भी बेहोशी जैसे, ये क्लोरोफार्म की तरह बेहोश करने का काम आता है ये भी। आजकल क्या है, वर्तमान में क्लोरोफॉर्म से बेहोश करने के लिए लाभ हानियों के रूप में काम में कम लेते हैं, इसके कई हानियां हैं कई लाभ हैं। लाभ क्या है इसका, ये तो ये विस्फोटक नहीं है, एक्सप्लोजिव नहीं है। विस्फोटक का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो आप उसके पास में कोई माचिस तिली या कोई ऐसी चीज़ करते जलाते हो आग पकड़ लेता, लेकिन ये विस्फोटक नहीं है, कम खर्चीला और सस्ता है, कम खर्चीला है और सुगमता से आप पशु को बेहोश कर सकते हैं, ये तो इसके फायदे हैं। लेकिन इसकी हानियां भी हैं, इसके हानियां क्या है, इसकी विषाक्तता भयंकर है, इसकी टॉक्सिसिटी भयंकर होती है, क्योंकि ये मतलब क्या यकृत यानी लीवर को नुकसान पहुंचाता है, लीवर को नुकसान पहुंचाता है, और श्वसन के अंदर क्या है कि इसमें सीक्रेशन बढ़ जाता है, तो पशु सांस लेता है अंदर तो इंटरनली लंग्स में, ट्रेकिया में, ब्रोंकियल्स में सीक्रेशन बढ़ जाता है, जिससे पशु के कोलेप्स होने की संभावना रहती है और उल्टियां बहुत होती है, इससे उल्टी होती है, तो ये इसलिए इसके लिए हानिकारक है, इसलिए आज भी इसको उपयोग में नहीं लेते हैं। तो ये आप इसके लाभ हानि जरूर याद करना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है। फिर सेकेंड आता है इथर, ये के रंगीन पारदर्शी स्वाद में मीठा और अत्यंत वाष्पशील ज्वलनशील तथा विस्फोटक द्रव्य है, यानी वो क्लोरोफॉर्म विस्फोटक नहीं था लेकिन ये विस्फोटक द्रव्य है। ये भी मतलब कि शल्यक्रिया से पहले निश्चेतन मतलब जनरल एनेस्थेटिक के रूप में सुरक्षित द्रव्य है, ये रेस्पिरेशन और हार्ट पे कम प्रभाव डालता है, कम असर डालने वाला है हार्ट पे और श्वसन पे। उपयोग इसका उपयोग वही है
बेहोश करने काम आता है, लेकिन ये क्लोरोफॉर्म से ज़्यादा सुरक्षित है। एक तो विस्फोटक नहीं है, एक टॉक्सिक नहीं है। अब इसके यूज जो है, एक्सटर्नली क्या यूज है और इंटरनली क्या है। एक्सटर्नली तो ये रेफ्रिजरेंट है, ठंडक पैदा करता है, रूबी पेशेंट ब्लड को बढ़ाता है। अगर इसको रगड़ते हैं ऊपर तो ये वेसिकेट का काम करता है, एंटीसेप्टिक का काम करता है, लोकल एनेस्थेटिक भी काम करता है, लोकल एनेस्थेटिक का काम भी करता है अगर बाहर की साइड में लगाए तो। इंटरनली एक तो जनरल एनेस्थेटिक है, पूर्ण बेहोश करता है पशु को। एक एक कार्मिनेटिव है, गैस को बाहर निकालता है, गैस बढ़ने नहीं देता है। एंथेलमेटिक है, कीड़े मारता है पेट के। एनोडाइन दर्द मिटाता है, गैस्ट्रिक स्टिमुलेंट है। और एंटीस्पास्मोटिक है, पेट में दर्द को कम करता है। और कार्डिक स्टिमुलेंट भी है, ये कार्डिक हार्ट की हार्ट को स्टिमुलेट करता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अगर ब्लड प्रेशर लो है पशु का तो ब्लड प्रेशर बढ़ाने में काम आता है। इसकी खुराक है मुख द्वारा जब इसको देते हैं इंटरनली, तो ये इंटेस्टाइनल एंटीस्पास्मोटिक का काम करता है पेट दर्द में। इसकी खुराक जो है केटल में हॉर्स में 30 से 60 ml है और डॉग में 1.5 to 4 ml है, ये इसकी डोज है। और बाई इनहेलेशन फॉर एनेस्थेटिक यूज, सुंघाने के रूप में इसको एनेस्थेसिया के काम में लेते हैं। ये दूसरे एनेस्थेटिक की बदौलत बहुत सुरक्षित क्यों है, इसके कारण है। एक तो इसमें एनेस्थेसिया की सभी स्टेजेस दिखाई देती हैं। एनेस्थेटाइज पशु को करोगे तो उसकी सारी स्टेज इसमें आप महसूस कर पशु में महसूस करोगे, सभी स्टेज कैसे, मतलब एनेस्थेटाइज होगा फिर एनेस्थेसिया उसका कैसे रिलीव होगा और कितने देर तक एनेस्थेटिक पशु में काम करेगा। एक ये मसल रिलैक्सेंट है, यानी मांसपेशियों को शिथिल कर देती है, रिलैक्सेंट हमें रिलैक्स कर देती है, मांसपेशियों को रिलैक्स करते हैं ना अपने, अगर भाई काम करके बहुत ज़्यादा थक गए तो रिलैक्स हो जाओ, वैसे ही मांसपेशियों को रिलैक्स करती है। एक ये क्या, श्वसन तंत्र हृदय के कार्य में रुकावट पैदा नहीं करती है, अवरोध पैदा नहीं करती है। और ये भी मतलब सस्ता निश्चेतक है और इसके उपयोग में लेने का तरीका सरल है। अब छोटे जानवर जैसे पिगलेट है, सूअर के बच्चे हैं, काफ हैं, केट है, डॉग है, इसमें मतलब कि ये जो प्रयोगशाला में काम करते हैं, काम आने वाले हैं, जैसे रेट है, माइस है, इनमें इसका उपयोग आसानी से किया जा सकता है छोटे बच्चों में। और रेट माइस जो प्रयोगशाला में काम करते हैं उन पे इसका उपयोग है जो आसानी से लिया जा सकता है। अब इसके बाद में आता है ट्राइलिन या ट्राइक्लोरोइथाइलिन। इसकी जो केमिकल फार्मूला है वो CHCl2 CHCl CCl2, ये इसका केमिकल फार्मूला है। अब ये क्या, ये भी रंगहीन और क्लोरोफॉर्म की भांति स्वाद में मीठा होता है, ज्वलनशील है, ये भी विस्फोटक है, क्लोरोफॉर्म की तरह ज्वलनशील है, लेकिन ये रोशनी में धीरे धीरे अपघटित होता है, यानी डिकम्पोजिशन इसका धीरे धीरे होता है रोशनी में, उसका बहुत ज़्यादा जल्दी होता है क्लोरोफॉर्म का। ये भी निश्चेतक है, यानी जनरल एनेस्थेटिक के काम में आता है, लेकिन ये क्लोरोफॉर्म से क्यों बेहतर है, ये क्लोरोफॉर्म से बेहतर है क्यों कि एक तो लार पैदा नहीं होती इससे, यानी ये सीक्रेशन नहीं होता है इसके बाद में, इससे एनेस्थेटाइज करने पे सीक्रेशन नहीं होता है, इसलिए श्वसन क्रिया में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है। इसमें एक उल्टी नहीं होती है, जी नहीं बदलाता है पशु का, यानी पशु इसमें बेचैनी नहीं होती जो क्लोरोफॉर्म में होती थी। इसकी निश्चित अवस्था धीरे धीरे आती है, मतलब पशु धीरे धीरे एनेस्थेटाइज होगा और मांसपेशियां पूर्ण रूप से शिथिल हो जाती है, यानी मसल रिलैक्सेंट है पूरा। इसका शरीर पे बहुत कम दुष्प्रभाव होता है और पशु वापस होश में जल्दी आता है, होश में पशु जल्दी आता है। और बर्ड्स में भी, यानी पक्षियों में भी इसका उपयोग किया जा सकता है, पक्षियों को बेहोश करने में भी ये काम में आता है। इसके बाद आता है इथाइलिन। इथाइलिन होता है C2H4 इथाइलिन है। ये गंधहीन, स्वाद में हल्की मीठी, रंगहीन व ज्वलनशील द्रव्य है, यानी एक तो ये हल्का मीठा है,
टेस्ट में और रंगहीन है और गंधहीन है और ज्वलनशील द्रव्य है, ये भी मतलब एक्सप्लोजिव है, ये यूज करते टाइम ध्यान रखने वाली बात है। इससे पशु तुरंत बेहोश हो जाता है, कोई अंगों पर किसी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है और ना ही पशु में उल्टी होती है। लेकिन ये महंगा बहुत है, यानी इथाइलिन जो है ये महंगा है, इसलिए इसको उपयोग बहुत कम करते हैं, ये नहीं के बराबर है, उसका उपयोग नहीं के बराबर करते हैं। फिर आता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये भी मतलब कि कार्बन टेट्राक्लोराइड इसका उपयोग भी निश्चेतक के रूप में बहुत कम करते हैं। इसका मुख्य उपयोग जो है वो लीवर फ्लूक होता है, लीवर फ्लूक यानी लीवर में जो फ्लूक होते हैं, पैरासाइट होता है, उसके उपचार के लिए पेरास्टिसाइडों के रूप में इसका उपयोग करते हैं। फिर एक होता है नाइट्रस ऑक्साइड, ये पदार्थ अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करके प्राप्त किया जाता है, अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करके जो प्राप्त करते हैं उसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। और ये जो है नाइट्रस ऑक्साइड, ये रंगहीन एज्वलनशील है, प्राकृतिक गैस है जो विशेष गंधयुक्त स्वाद में मीठी होती है, और ये भी मतलब कि बहुत महंगी होने के कारण पशुशल्य क्रिया में कम काम में ली जाती है, यानी ये महंगी बहुत है। तो आज हमने जनरल एनेस्थेसिया में काम आने वाली गैसों के बारे में या पदार्थ के बारे में पढ़ा, और इस कल हम नार्कोटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, आप अच्छी तरह से स्टडी करना। धन्यवाद।